बोनस को भी 12 से डिवाइड करके हर महीने आपकी सैलरी के साथ आपको दिया जाता है तो 9.5 लाख को हर महीने आपको 12 हिस्सों में डिवाइड करके दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में और 6 लाख को अगले साल आपको 12 से डिवाइड करके हर महीने सैलरी के साथ दिया जाएगा तो आपके अकाउंट के अंदर हर महीने जो अमाउंट आ रही होती है वो आपका बेस एंड आपका ज्वाइनिंग बोनस होता है अब ये जो बोनस होता है इसके ऊपर भी आपको करीबन थर्टी परसेंट का टैक्स देना होता है तो आपका जो बेस एंड बोनस दोनों मिलाकर बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने जो अमाउंट आती है टैक्सेस कटने के बाद वो अराउंड वन पॉइंट फाइव लैक्स होती है अब बढ़ते हैं अपने तीसरे कॉम्पोनेट की तरफ तीसरा कॉम्पोनेट होता है हमारे पास एक्विटी एक्विटी यानी कंपनी के स्टॉक्स तो एमेजोन ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको अपने कुछ स्टॉक्स भी देती है जिनको आप बेचकर उनकी जो जितनी भी वर्थ होगी उतनी वर्थ को कमा सकते हैं तो नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको आज ही स्टॉक मिल गए अब आप कल जाकर इनको बेच सकते हैं जैसे अगर मैं आज मार्केट में नॉर्मली किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदने जाऊं मैं अगर एज अ नॉर्मल व्यक्ति एमेजॉन के स्टॉक्स खरीदूंगी तो मैं उनको कभी भी बेच सकती हूँ आज भी बेच सकती हूँ कल भी बेच सकती हूँ पर आप अगर एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कर

एक बार अगर आप दो साल कंप्लीट कर लेते हैं तो हर छह महीने में आपको ट्वेंटी परसेंट अगले छह महीने में ट्वेंटी परसेंट उसके बाद अगले छह महीने में ट्वेंटी में ट्वेंटी परसेंट इस तरीके से चालीस चालीस परसेंट की अमाउंट आपको थर्ड और फोर्थ ईयर के एंड पर मिल रही होती है अब इन स्टॉक्स को मिलने में यूजअली इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि कंपनी चाहती है आप ज्यादा से ज्यादा टाइम तक कंपनी के साथ जुड़े रहें तो वो चाहते हैं कि एटलीस्ट आप दो साल ढाई साल तीन साल तो कंपनी के अंदर काम ही करें तो जो आपको ट्रेन करते हैं उसकी वैल्यू उनको मिल सके इसीलिए आपको एक तरीके से लालच दिया जाता है कि कंपनी के अंदर आप रहेंगे

तो जब आपको स्टॉक्स अलॉट होते हैं तो वो आपको आपके ज्वाइनिंग मंथ के अराउंड जो भी करंट एमेजॉन के स्टॉक की वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से अलॉट होते हैं पर जब आप उनको सेल करते हैं कुछ टाइम बाद तो आप उसको फ्यूचर वाली वैल्यू पर सेल कर रहे होते हैं तो अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपके स्टॉक्स की वर्थ भी टाइम के साथ बढ़ रही होगी अब ये जो स्टॉक वाला या इक्विटी वाला कॉम्पोनेट होता है इसके ऊपर भी जब हम अपने स्टॉक्स को सेल करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को तो कोई भी कॉम्पोनेंट सैलरी का आपका टैक्स फ्री नहीं होता एंड एक और एडिशनल कॉम्पोनेट होता है आपके पास रीलोकेशन बोनस रीलोकेशन बोनस उन लोगों को दिया जाता है जो किसी शहर से दूसरे शहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अमेजोन के अंदर काम करने के लिए तो यूजली मोस्टली लोग दूसरे शहरों से ही आ रहे होते हैं तो आपको रीलोकेशन बोनस दिया जाता है वन पॉइंट का अब एमेजॉन आपको चॉइस देता है या तो आप रीलोकेशन बोनस ले सकते हैं या फिर अमेजॉन आपके ले फ्लाइट टिकट करा देगा आपके होटल में अकोमोडेशन वगैरह अरेंज कर देगा बट यूजुअली लोग अपने पैसे लेना ही प्रेफर करते हैं और उसके बाद सस्ते में ट्रेन में ट्रैवल करते हैं एंड आपके काफी सारे पैसे इस तरीके से बच जाते हैं अब ये जो रिलोकेशन बोनस होता है इसके ऊपर भी आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलकर बनता है हमारी कंपनी का पैकेज या फिर हमारा सीटीसी

अब जो लोग एज एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स, एक्सपीरियंस इंजीनियर्स, वन पोजिशन पे ज्वाइन करते हैं उनका हो सकता है कि बेस सैलरी ज्यादा हो जाए बेस सैलरी की जगह हो सकता है आपकी ट्वेंटी हो जाए या ट्वेंटी पर आपका ज्वाइनिंग बोनस थोड़ा सा कम कर देते हैं आपका जॉइनिंग बोनस फाइव पॉइंट फाइव कर देंगे फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकंड ईयर के लिए थ्री कर देंगे तो इस तरीके से बेस ज्वाइनिंग बोनस वगैरह सब वेरी करता रहता है बट यूजुअली कंपनीज के अंदर अपनी एक पोजिशन की रेंज डिफाइंड होती है जैसे अगर अमेजॉन है तो उसको पता है कि एस वन के लिए इस रेंज से लेकर इस रेंज का ही उन्हें एक एम्प्लॉय हायर करना है अब उसमें हो सकता है किसी एम्प्लॉय को वो बीच में बेस ज्यादा दे दें तो उसका ज्वाइनिंग बोनस कम कर दें बट ओवरऑल जो ओवरऑल पैकेज रहेगा वो यूजली सबका सिमिलर रहता है एंड उसी रेंज के अंदर रहता है तो आई होप की एमेजॉन का जो भी पैकेज था उसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में पता चला होगा कि उसका